वेलकम बैक टू माय चैनल जय के जी पकवान। तो दोस्तों, 5 दिन के मलाई से आज मैं बनाने जा रही हूँ 200 ग्राम घी। ये मलाई को मैंने क्या किया था, 1 घंटा पहले रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया था फ्रिज से निकाल कर। अब हम इसे पहले ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा फाइन ग्राइंड हुआ है। आप इसमें आइस क्यूब या ठंडे पानी का भी यूज कर सकते हैं। अगर गर्मी की मौसम है तो आप ठंडा पानी यूज़ करिए, और ठंडी के मौसम है तो नॉर्मल पानी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ग्राइंड करने के बाद पानी सेपरेट हो चुका है, और इस तरीके से एक चम्मच के मदद से हम निकाल लेंगे पानी को छान कर। अब कढ़ाई को हम गर्म कर लेंगे और छानी हुई जो मलाई है उसे हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे गैस को। तो आप देख सकते हैं साइड से घी सेपरेट हो रहा है। तो इस तरीके से आप थोड़ी देर छोड़ दें और चम्मच के सहारे आप धीरे धीरे चलाते रहें। अब ये देखिए झाग आ चुका है। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम को हाई कर लें और थोड़ी देर चलाकर इसे छोड़ दें। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से घी आ रहा है, बिल्कुल चेंज हो चुका है कलर। अब इसके बाद हमें गैस का फ्लेम को लो में रखना है। लो में कम से कम 15 मिनट तक रखना है। अब ये देखिए पूरा घी बनकर रेडी है। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, आप देख ही सकते हैं। घर में बनाई हुई घी की बात ही अलग है। तो घी बनकर रेडी है, अब इसे ठंडा होने दे दें। ठंडा होने के बाद इसे छान लेते हैं। इसी तरह आप भी मलाई को घर पर स्टोर करके बहुत ही आसान तरीके से घी को बना सकते हैं। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।